भारत की सरकार लगातार भारत के विकास को लेकर बड़े बड़े दावे करती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे हैं कि हमारी सरकार देश के गरीबों, वंचितों, युवाओं और महिलाओं को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार लाल किले के भाषण से इस बात पर जोर दिया था कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करेंगे। इसी कड़ी में अब भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि जिस सड़क को देश में राजपथ के नाम से जाना जाता है, उसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने ऐलान किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू से राष्ट्रपति भवन तक की सड़क अब कर्तव्य पथ कहलाएगी। आपको याद होगा कि 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गुलामी की सारी निशानियां मिटाई जाएंगी और सिर्फ कर्तव्य पर फोकस होगा। यहां पर हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा अब आम जनता के लिए जल्द ही खुलने वाला है। अब कुछ दिनों में ही सेंट्रल विस्टा के एक हिस्से का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों के अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर की शाम अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत विजय चौक से इंडिया गेट तक पूरे खंड का उद्घाटन करेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।